हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं इस तरीके का एक सॉफ्ट बॉक्स। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्राइपॉड पे माउंट करके रखा हुआ है और इसके पीछे हमने लगाया है एक नॉब, जिससे आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। और फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरीके का एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे। ये UPS का बॉक्स है और हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे पूरे के पूरे। देख सकते हैं, मैंने कट कर लिया। वाओ, कितना अच्छा मैजिक है ना। आप भी कर सकते हैं, बस मेरे से पूछ लेना। उसके बाद हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे इसको, और इसको हम ऊपर से लेंगे 18 सेंटीमीटर, और नीचे इस तरीके से लेंगे लाइक 30 सेंटीमीटर्स, और एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, और इसका हाफ ले लेंगे 15 सेंटीमीटर पे, और ऊपर से इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। सो ऊपर पे हम लेंगे 7 सेंटीमीटर और 3.5 के बीच पे एक लाइन छोड़ के इस तरीके से 7 सेंटीमीटर्स लेंगे, और ऊपर पे इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। बोथ साइड पे करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच लेना है, और ऊपर एक लाइन, और इस जॉइनिंग से नीचे वाले जॉइनिंग तक एक लाइन खींच लेंगे दोनों साइड पे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं, इस तरीके से बन गया। और हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से एकदम से। सो फ्रेंड्स, हम इसको सिर्फ एक नहीं बनाना है, इसको चार बनाना है, चार कट कर लेना है हमें। मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है इस तरीके से, और हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से रख लेंगे सारे जॉइन करके। तो अभी इसमें हम इस तरीके का डक टेप यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको इस तरीके से चिपकाना है, सारे पॉइंट्स पे चिपकाना है, सारे जॉइनिंग्स पे, और इसको उठा के इस तरीके से लगाना है, और इस पर भी एक टेप लगा लेना है जैसे पहले लगाया हमने। तो लग गया इस तरीके से, और हम इसको उल्टा करके इसको हम ग्लू गन से चिपका देंगे इस तरीके से। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है मगर अच्छा चिपक जाता है वो। और इस तरीके से पूरा जॉइनिंग पे हमको इस तरीके से ग्लू गन लगा लेना है, चारों कॉर्नर पे इस तरीके से लगा लेना है आपको। मैंने लगा लिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरह से बनाना है। और यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा कट कर लेंगे जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कट करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ पुश कर लेना है, और आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से बना लिया, और इसको ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। और एक छोटा सा पीस ले लेंगे कार्डबोर्ड का 7.5 सेंटीमीटर का, और एक बल्ब ले लेंगे। मैंने 9 वाट का बल्ब लिया है, अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप उसी बड़ा बल्ब को लेके इस तरीके से मार्क करके कट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया, और इसके अंदर पर इस तरीके से चिपका लेना है ग्लू गन से। और आप देख सकते हैं मैंने चिपका लिया इसको, और हम इसके ऊपर पे फिर एक टेप लेके इस तरीके से चिपका लेंगे, अच्छी तरह से चिपका लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस तरीके का वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। और फ्रेंड्स, पहले जहाँ पे कट किया था उसी पे इस तरीके से फिर कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको क्यों कट कर रहे हैं, वो आगे आप लोगों को वीडियो पे पता चल जाएगा, प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिए। और फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का बन चुका है हमारा सॉफ्ट बॉक्स, और हम इसके ऊपर पे लगाएंगे ये एल्यूमिनियम फॉयल। इसके अंदर पूरा लगा लेना है रिफ्लेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लगाया, और देख सकते हैं मैंने पूरा चिपका लिया एक ही झटके में। फ्रेंड्स, मैंने ये फेविकॉल से चिपकाया, आप भी फेविकॉल या कोई और ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए। और फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर पे डिफ्यूज़ के लिए एक बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, मैं बटर पेपर बोलता हूँ इसे, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। और हम इसको इस तरीके से लगा के चिपका देंगे टेप से,
कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पूरा चिपका लिया इसको, और हमारा सॉफ्ट बॉक्स का फ्रंट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हमारा इसका बैक सेक्शन जहाँ पे बल्ब लगेगा। और फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से पहले से कट करके रखा है, ये 8x13 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं और 13 सेंटीमीटर का है फ्रेंड्स। और हम इसको इस तरीके से चिपका के बॉक्स शेप पे बना लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे इस तरीके का एक टुकड़ा और अंदर के साइड से मार्क कर लेंगे, और इसको कट करके इस तरीके का एक होल्डर ले लेंगे, और इसका फ्रंट सेक्शन को निकाल के इस तरीके से मार्क करके इसको भी कट कर लेंगे। और कट कर लिया फ्रेंड्स, और इसके होल्डर पे इस तरीके से लगा के अंदर से टाइट कर लेंगे, और इसके अंदर इस तरीके से लगा के फ्रेंड्स इसको ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों बाहर अंदर बाहर चिपका लिया है फ्रेंड्स। और इस तरीके से यहाँ पे भी कट कर लेना है जैसे हम लोग ने सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर कट किया था, तो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसको हम अंदर पे चिपकाएंगे नहीं, बस इस तरीके से छोड़ देंगे, बाद में हम टेप लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने टेप ले लिया, और इसको इस तरीके से चिपका लेंगे पूरा ताकि थोड़ा अच्छा फिक्स हो। और हम इसको फिर कट कर लेंगे इस तरीके से दोनों तरफ का, और हम इसको इसके ऊपर पे एक छोटा सा टेप लेके इस तरीके से चिपका लेंगे, एक हैंडल बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से ताकि अंदर बाहर इस तरीके से खींच सकते हैं। मैंने दोनों तरफ का बना लिया इस तरीके से। और हम एक लेंगे इस तरीके का एक टुकड़ा इसका कवर बनाने के लिए, और हम लेंगे इस तरीके का एक फैन रेगुलेटर। फ्रेंड्स आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल शॉप से इजीली मिल जाएगा, और हम इसको इस तरीके से खोल देंगे, स्क्रू भी रहता है इसको भी निकाल देंगे इस तरीके से, और इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से इसका पॉइंट जो है, और इसके ऊपर पे होल्ड कर लेंगे इसका पॉइंट जो है, इसको बाहर निकालेंगे इस तरीके से और स्क्रू से टाइट कर देंगे। और जो फ्रेंड्स इसका जो दो वायर है इसका एक पॉइंट जो है एक होल्डर से कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ हिसाब नहीं रहता है, आप कोई सा भी पॉइंट एक होल्डर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर पे इस तरीके से एक छोटा सा होल करके हम एक थोड़ा सा लंबा सा वायर लेंगे, और इसको जो रेगुलेटर का दूसरा वाला पॉइंट था उसके साथ एक पॉइंट कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और मैंने हीट सिंक लगा के इसको फिक्स कर दिया शॉर्ट वगैरह ना होने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने कैसे कनेक्ट किया, एक होल्डर का पॉइंट और रेगुलेटर पे, और दूसरा पॉइंट रेगुलेटर का और दूसरे लंबा वाला वायर से। और हम इसको इस तरीके से लगा के दूसरा वाला जो पॉइंट था वायर, लंबा वाला वायर का, उसका पॉइंट हम होल्डर का दूसरे वाले पॉइंट पर लगा लेंगे, और होल्डर का कवर इस तरीके से लगा के इसको हम ग्लू गन से चिपका लेंगे ताकि बाहर ना निकले, और इसका कवर को इस तरीके से फिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और इसका नोब जो था इसको भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये हो चुका हमारा कंप्लीट, और मैंने इसके ऊपर मेल जैक भी लगा लिया, और हम इसके ऊपर लगाएंगे 9 वाट का एक बल्ब। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स इसका जो हम लोग ने कट किया था इसका पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच करके इस तरीके से लगा लेना है आप लोगों को। और इसके बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पुश कर लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए और ये ना निकले बाहर। तो फ्रेंड्स इस पे हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारा सॉफ्ट बॉक्स, और अब बारी है टेस्टिंग का। तो फ्रेंड्स आइए टेस्टिंग करके देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने उसको ट्राईपॉड पे माउंट करके रख दिया और इधर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस, और मैं कम कर रहा हूँ वो भी देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे कितना कम हो रहा है और कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।